और वो स्पोर्ट्स कार। राजू देखो जूली और गोरी। हे जूली गोरी इस तरह। चलो मूवी। अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। इन सभी गाड़ियों में सुपर कार कौन सी है? हाँ उस तरफ। जब डैड स्टेज पर जाएंगे तब हम सुपर कार देख पाएंगे। चलो स्टेज के पास चलते हैं। हाँ। आज सभी का आर्यनगर ऑटो शो में स्वागत है और आप सबके सामने पेश है सबसे सुरक्षित और ताकतवर एरोडायनामिक सुपर कार। अरे ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही है। क्या ये कार उड़ भी सकती है? अंकल क्या मैं इसे वहाँ से देख सकता हूँ? देखो पर छूना मत। क्या हम इसके अंदर बैठ सकते हैं? इसे छू भी नहीं सकते वरना सुरक्षा शील्ड एक्टिवेट हो जाएगी। क्या किया तुमने? मैं तो बस गाड़ी के अंदर बैठना चाहता था। डरो मत चार्ली, मैं सुरक्षा शील्ड को रिमोट की मदद से डीएक्टिवेट करता हूँ। बहुत देर कर ली तुमने स्वामी, अब ये कार कार्बोरेटर की है। वो कौन है डैड? वो कार्बोरेटर एक साइंटिस्ट है जिसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा वरना। बिना रिमोट के मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ एक तरीका है। मैं कार के कंप्यूटर में जाके शील्ड डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। तो फिर जल्दी कीजिए, तब तक मैं इस कार को रोकता हूँ। शील्ड डीएक्टिवेट हो जाएगी। कार्बोरेटर्स अब तुम्हारा खेल खत्म। 3, 2, 1 ये है आर्यनगर की भोली भाली जनता जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि कुछ ही देर में मैं वाहमन इनके वाहनों पर अपना वाह चक्र का प्रयोग करूंगा तो इनके सारे वाहन मेरे वश में होंगे। अरे ये क्या हुआ? अरे रुको, मेरी गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? ये तो शुरुआत है सिटीजंस ऑफ आर्यनगर, अब मेरी वाहन सेना आर्यनगर को लूट लेगी। तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी पुलिस जीप खुद ब खुद चल रही है, ये हमें पुलिस स्टेशन से बाहर आने ही नहीं दे रही है। अब मैं अपनी वाहन सेना को इकट्ठा करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। हे,
इस महान वाहमन को डॉगी से डर लगता है। चीकी, मूवी को मेरे पास भेजो जल्दी। ओके माय डियर राजू। मूवी, उस वाहमन का बेल्ट छीन लो। डॉगी डॉगी ये लो वाहमन, तुम्हारे लिए खास डॉगी चैनल। इतने सारे डॉगीज। सारा प्लान बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन एक और चीज को निपटना है। माइटी वर्ब टाइम। माइटी राजू, मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। थैंक यू। इस मूवी को कहो, इसी ने आज दुश्मन को मार गिराया। इसे मुझसे दूर करो। सुनो बच्चों, आज हमारे टीम में एक नया स्टूडेंट हिस्सा लेगा जिसका नाम है धक्का सिंह। धक्का सिंह, जाओ तुम चार्ली की टीम में खेलोगे। हेलो धक्का सिंह, मेरा नाम जूली है। मैं हूँ राजू और ये है गोपी। मैं धक्का हूँ, धक्का सिंह, स्कूल में और इस शहर में नया आया हूँ। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा नाम धक्का किसने रखा? वो मेरे पापा जी का नाम मुक्का सिंह है। वो मेरे सही मुक्के मारते हैं। और मैं जिस धक्के खाने में माहिर हूँ ना, तो ये क्या? तुम लोगों ने प्रैक्टिस क्यों बंद कर दी? धक्का, जूली, चलो बॉल फेंको। धक्का सिंह, मुझे लगता है तुम्हारी और वॉलीबॉल की कभी नहीं पटेगी। तुम कोई और खेल देख लो। बच्चों, अब हम कल मिलेंगे। कोई बात नहीं धक्का, कोई और खेल में कोशिश करते हैं। राजू और उसकी टोली अब भी बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। इनकी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ मेरी स्पोर्ट्स बाइक का क्या मुकाबला करेंगे? हमारी गाड़ियाँ तुम्हारे स्पोर्ट्स बाइक को पल में हरा देंगी चार्ली। तो हो जाए रेस। हो जाए। On your marks, get set. इतने जोरों से पैडल कर रहा हूँ, फिर भी आगे नहीं जा रही। इनकी बाइक ऐसे अचानक रुक क्यों गई? क्या ये चार्ली की कोई चाल है? देखूं तो जरा। दोस्तों, अपने स्पोर्ट्स बाइक को टाइट पकड़े रखना। ये तो अपने आप चल रही है। पीछे पड़ गई। बचाओ!
गाड़ी के बाहर उड़ रहे हैं। उस बैग का मुंह बंद कर रहे यार। हमने लोगों को पैसे बांटने के लिए बैग को नहीं लूटा है यार। मैं उस बैग का मुंह बंद करता हूँ भाई, पर ये गड्डी आती तिरती चलाना बंद कर भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छुपा देते हैं, बाद में आके ले लेंगे यार। मूर्ति 123 मूर्ति। ओ कलंदर, ये नाम याद कर ले यार। अब भागे, पुलिस से पीछा भी तो छुड़ाना है यार। ओ इधर आ जाए यार। मूर्ति खजाना 123 मूर्ति खजाना 123 मूर्ति खजाना। मैं 2 घंटे से इसे बना रहा था। धक्का, तूने 2 सेकंड में सब बर्बाद कर दिया। धक्का चलते हुए धक्का बुकी करता है, मगर 2 दिन में साइकिल रेस है। शायद वो साइकिल पर धक्का बुकी नहीं करेगा और उसे कोई टीम की भी जरूरत नहीं है। धक्का सुनो, याद रहे धक्का, हैंडल सीधा होना चाहिए और इसके पहले कि कोई चीज तुम्हारे सामने आए तुम्हें ब्रेक दबाने हैं। फिक्र मत करो राजू, साइकिल, कार, हवाई जहाज तो मैं ठीक ठाक चला ही लूंगा, बस चलने में कमजोर हूँ। कितना डेंजर मूव है। अयो, ये आवाज कैसा? किचन में कुछ तो है, इसको कैसे भगाऊं? तू हमेशा कुछ गड़बड़ कर देता है यार। शोर मचाकर इस मूर्ति को चौकन्ना कर दिया, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाएं यार। तो साइकिल रेस शुरू की जाए, सभी अपने अपने हेलमेट पहन लो। धक्का को तो डबल हेलमेट की जरूरत लगेगी। डबल? पर मैं तो एक ही हेलमेट लाया हूँ जी। चाली, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। हाँ? Get set, go! धक्का, हैंडल सीधा रखो और थोड़ी स्पीड। कोई धक्का बुक्की नहीं, सिर्फ सीधे, सिर्फ सीधे। बहुत अच्छी धक्का। धक्का, अब तो तुम साइकिल भी नहीं चला सकते। हाँ वो तो सही है, शायद मेरे लिए कोई खेल नहीं बना है। वैसे जाने से पहले मैं एक खेल बता सकता हूँ जिसके लिए धक्का सिंह कमाल है। कौन सा खेल? अब ये पैसे वापस बैंक में जाएंगे और तुम दोनों जेल में।
इसे भी लॉक कर देते हैं यार। जल्दी से पैर से उठा, यहाँ से निकल लेते यार। ये माइटी राजू कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए यार। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? राजू ने तो चोरों को भी पकड़ लिया। थैंक यू माइटी राजू। यस यस थैंक यू, मेरा वास को भी बचा लिया। मूर्ति अंकल आप पुलिस को बुलाओ। हेलो पुलिस, मैं मूर्ति बोल रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुत अच्छा लगा। को फुलाकर बोट पर सेट करेंगे। जैसे जैसे गुब्बारे से हवा निकलेगी वैसे वैसे बोट आगे बढ़ेगी, है ना दिलचस्प? ये तो बहुत आसान है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। एक शानदार वोल्केनो बनाते हैं। वोल्केनो? वोल्केनो तो कितना खिसा पीटा आइडिया है, सभी बनाते हैं। इससे तो अच्छा मेरा बलून बोट का आइडिया है। क्या बोल रही हो, वोल्केनो बेस्ट है। नहीं बलून बोट। नहीं वोल्केनो। नहीं भी एक साथ। मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना चाहती जिसे मेरे आइडिया की कद्र ना हो। मैं मेरा बलून बोट बनाने जा रही हूँ, तुम तुम्हारा बेकार सा वोल्केनो प्रोजेक्ट बना लेना। हाँ, मैं बनाऊंगा और वो बेकार नहीं बहुत ही शानदार होगा। अरे पर सुनो तो मेरा क्या? जूली और गोपी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। चीकी और मोपी आपस में लड़ रहे हैं। दोनों पार्क जाना चाहते हैं। चीकी स्केटबोर्ड करके जाना चाहती है और मोपी पैदल नहीं जाना चाहता। किसी एक को तो दूसरे की बात मान लेनी चाहिए। दोस्त आपस में लड़ती नहीं है, एक दूसरे की बात समझते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मोबी तुम एक छोटे टायर वाले डब्बे में बैठ सकते हो और चीकी इस डब्बे को खींच लेगी। इस तरह से चीकी को मोबी को घर में उठाना नहीं पड़ेगा और मोबी को पैदल चलने की जरूरत नहीं होगी। गुड आइडिया राजू। राजू तुमने तो बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वैसे हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। हमें लड़ने की बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ सोचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राजू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सॉरी जूली, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को भला बुरा कहा। मैंने भी तुम्हारे वॉल्केनो
प्रोजेक्ट को बेकार कहा। आई एम सॉरी गोपी। चलो आखिर अब हम सब एक साथ ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। पर राजू मेरा वोल्केनो प्रोजेक्ट। मेरा वोल्केनो क्या उसका कुछ नहीं हो सकता? आइडिया। गुड मॉर्निंग मिस, हमारा प्रोजेक्ट एक वोल्केनो और एक बलून बोट है। मिस अब ये वोल्केनो चल पड़ा है और ये डॉल यहाँ से निकलना चाहती है, तो वो इस बलून बोट में जाएगी। ये तो वाकई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू मिस। बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट का अवार्ड जाता है राजू, जूली और गोपी को। आजकल के बच्चे जब देखो फोन पे गेम्स गेम्स गेम्स। यस, मिल गया नीलू आशी। अभी पकड़ता हूँ। ये मिल गया नीलू आशी। अब बस और तीन मिल जाएं तो मैं गेम की अगली लेवल तक पहुँच जाऊंगा। वाह आशी ज्वेल्स जैसा कोई गेम नहीं। मैं तो रात दिन अब बस हरी हरा आशी की तलाश में रहती हूँ। बस वो मिल गया तो मैं भी गेम की अगले लेवल तक पहुँच जाऊंगी। हरी हरा आशी तो नहीं मिला, ये हरे पत्ते मिल गए जूली। हाँ, वो देखो चार्ली सोनू मोनू भी शायद कोई आशी ही ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो एक आशी दिख रहा था। काश मेरे पास कोई ऐसी मशीन होती जिससे मैं सारे आशी डायमंड पा सकता। आशी डायमंड तो आज तक किसी को भी नहीं मिला है। मिल गया पीलू आशी, मिल गया। हमको भी मिल गया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? नन्हे दुलारी कैंप में मैं खुशहाली आप सबका स्वागत करती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये किसका आइडिया था कि चिल्ड्रंस डे सब यहाँ आकर मनाएंगे? हम सबका। धीरे बोलो बच्चों, धीरे बोलो बच्चों, धीरे बोलो, धीरे बोलो बच्चों, धीरे बोलो। कोई बात नहीं कुक्कू, ये सारे बच्चे बड़े उत्साहित हैं। क्या यहाँ बतख भी है और बकरे और प्यारे पपीज? तुम सब अंदर चल के खुद ही क्यों नहीं देख लेते? सारे जानवर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ। हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है। जाओ और खाना ले जाओ।
जाओ और खाना ले जाओ। अब ये बतख मुझ पर हमला कर रहे हैं। मम्मी बचाओ। राजू पता है आज मैंने वो न्यूज देखी जिसमें माइटी कार को उठाकर टूटे हुए डैम से बहते पानी को रोक रहा था। हमारे क्लास के सारे बच्चे टीवी पर दिखाई दे रहे थे सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ थे राजू? मैं वही था चार्ली। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं। नहीं मैंने ध्यान से देखा। सिर्फ तुम वहाँ नहीं थे। जब भी माइटी आता है तुम हमेशा उस जगह से गायब हो जाते हो। माइटी की कद की ऊंचाई भी लगभग तुम्हारे कद जितनी है। कहीं तुम ही तो माइटी। चार्ली तुम बिना कुछ भी बोलते हो। मैं छोटा बच्चा हूँ। जो भी हो अगली बार जब माइटी आएगा तो मेरी नजर तुम पर ही टिकी रहेगी। राजू राजू हाँ? अब हम क्या करेंगे? अगर चार्ली मुझ पर नजर रखेगा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। हमें उसे गुमराह करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। अगर चार्ली माइटी और मुझे एक साथ एक ही जगह पर देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं माइटी नहीं हूँ। पर माइटी और राजू एक ही जगह पर एक साथ आएंगे कैसे? चीकी क्या तुम मूवी को माइटी जैसा बना सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। इन जूतों से मोबी की हाइट तुम्हारे जितनी हो जाएगी राजू। घोषणा करनी पड़ेगी कि माइटी सिटी मॉल में आएगा। माइटी का सिटी मॉल में आ रहा है। मैं जरूर जाऊंगी। क्यों चार्ली माइटी को देखने आए हो? हाँ आया तो माइटी को देखने पर अब तुम्हें यहाँ देखकर लगता नहीं कि वो आएगा। चार्ली वो देखो माइटी आ गया और मेरे होते हुए आ गया। मैं भी ना तुम जैसे छोटे बच्चों को बिना मतलब का माइटी समझ रहा था। माइटी शुक्र है चार्ली ने मान तो लिया कि मैं माइटी नहीं हूँ। अब मोबी को यहाँ से निकालना होगा।